अपन तो कैसे हो आप सभी। सॉरी अपन कल नहीं मिल पाए बिकॉज कल मस्त वाली आंधी आई थी एंड बारिश भी तगड़ी सी हो रही थी, तो ठंड के मारे हमारे हालत खराब थे। बट वी आर बैक टुडे एंड हमारा टॉपिक सेम है। हाय जूले, कैसे हो? हाय मिस्टर हेमंत सर, कैसा रहा मदर्स डे? हाय मिस अंजलि, कम ऑन आशे एवरीवन। हाय अनीस, के हाल हो ताजू? हेलो हेलो क्यूटी, कैसे हो? पहले ये बताओ आप लोग कैसे हो, फिर अपन मदर्स डे के बारे में बात करते हैं। मस्त रहा। हाय अंजलि, मैं टकाटक हूँ, आप सबों का प्यार है, चीजें बहुत मस्त जा रही है। मदर्स डे कैसा रहा? ऑल गुड गुड। हेलो चैंपियन, कैसे हो? हाय मिस्टर रवि, तो कैसा रहा आप सबों का बर्थडे? हाय शिव सिंघानिया, हाय महेश, की हाल खबर? हाय वर्षा, हाय मनुप्रिया, हेलो, हेलो हीरो। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? अरे बहुत अच्छा। गोल मटोल हो गए सेब की तरह तुम। क्या करूं पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है ना, क्या कर सकते हैं। कैसा रहा मदर्स डे? मम्मी क्या? नहीं है ना यहाँ? ओके ओके ओके, कहाँ अभी तुम फॉरमेशन में है ना? हाँ, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू शुड बी वेरी हैप्पी ना। कोटा में नो सैड सैड मतलब, स्टोरी डाल लेते, एटलीस्ट यू आर नो इन होम। अरे नहीं, सैड फिर इट्स लाइफ। ओके पंकज, बोलो बोलो कुछ बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आप कहते सैड चलो ओके, सैड स्टोरी डाल रहा था। तुम्हारा था ना कोटा का, मैं देखा था मिड नाइट, तुम्हारा नाइट आउट पे था, मिसिंग घर समथिंग। वो प्लेस भूल जाते हैं, अभी ओके अभी वो प्लेस याद नहीं रखते हैं, अभी कुछ लोग आएंगे ना इसीलिए। चलो ओके चलो, अपन मदर्स डे से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। ये बताओ अभी तक का बेस्ट मदर्स डे, मदर्स से रिलेटेड कोई मेमोरीज बताओ, नॉट मदर्स डे, माँ से जुड़ी भी कोई मेमोरीज। माँ से जुड़ी हुई मेमोरीज तो बहुत ज्यादा है मेरे पास। एक ऐसा याद आता है, 10th का रिजल्ट आया था हम लोगों का, तो मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं था सब में, बट ओके मेरी मम्मी को बिल्कुल कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। शी टोल्ड मी कि इट्स ऑल राइट, आई हैव 85% ओनली। आई थॉट आई विल गो अबव 90, तो उन्होंने उस दिन मुझे वो ट्रीट ले जा करके अच्छे से खिलाया विलाया, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि मार्क्स कम है या दूसरे से कम है, ज्यादा है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ मत सोचो, बहुत ठीक है, आगे सोचो। हमेशा से ऐसा रहा, जब भी ऐसा लोअर फेलियर टाइप चीज आता है ना, तो घर वाले इतना पुश करते हैं, सर सेलिब्रेट करते हैं कि तुमने मेहनत बहुत अच्छे से किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तभी तो फैमिली को अपन मिस करते हैं ना, जब पूरे लॉ फील करो, तो जब नो वन इज इन योर बैक देन फैमिली इज देयर। एंड स्पेशली हाँ इन फैमिली अगर हम लड़कों का मॉम के साथ अच्छा बॉन्ड रहता है। हाँ ओके इसके अलावा कोई एक टची मोमेंट्स बताओ जो, ये तो ठीक है मोटिवेशनल, सारे मोम तो ऐसे बूस्टअप करते हैं, कुछ सेंटी मोमेंट्स? नहीं, ऐसे बूस्टअप नहीं करते हैं बहुत के घर वाले, हम देखा है मैंने, लेकिन क्योंकि
अभी एक इंटरव्यू में धोनी कह रहे थे ना कि इफ यू आर गिवन 100% ऑन द फील्ड दैट डजंट मैटर इफ यू विन और लूज, तो वही बात है कि किसी फील्ड में आपने 100% दे दिया तो यू आर ऑलरेडी अ विनर. एग्जैक्टली, लड़कियों का भी होता है. ओके ओके. नहीं मैं मोस्ट लड़कियों का भी होता प्रोफेशनल, है. नहीं मैं मोस्टली बोला, मोस्टली का ऐसा होता है ना, रिवर्स होता है. जैसे लड़कों का मॉम के साथ अच्छा टचअप होता है, एंड लड़कियों का डैड के साथ मोस्टली. तो पंकज, कोई और एक टची मोमेंट्स बताओ, कोई सैंडी मोमेंट्स जो मॉम से रिलेटेड हो. अरे मैं सुनने आया था, आप लोग बात बोलो. करो ना. और यहाँ ऑडियंस की जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट करो, बताओ. या कोई रुको मैं बात ऐड करता हूँ ऐसा जो एक कन्फेस करना चाह रहे हो अभी तक तुमने करा नहीं. मिनट. कौन मैं? हाँ, तुम्ही से बोल रहा हूँ. अरे नहीं कुछ कन्फेस नहीं, क्या कन्फेस करूं. मतलब मॉम से रिलेटेड कहीं, होपफुली कि आंटी हमें लाइव में नहीं देख रही हो, नहीं तो बोलो नहीं कैसा नहीं बेटा है जो एक भी नहीं सेंटी मोमेंट्स नहीं. ये सब में बहुत ज्यादा वीक टाइप है, मतलब इमोशन नहीं आ पाता है मेरे सामने. आई हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर लेकिन नहीं हो पाता है. मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, मॉम से रिलेटेड कुछ कुछ भी शेयर करना चाहोगे, कुछ भी बात जो अभी ऐसा तक तुमको किया 10th वाला. बताना. अरे हाँ ठीक है, वो तो हो गया मोटिवेशन टाइप का, इमोशनल टाइप का पूछ रहा हूँ. इमोशनल जिंदगी बुरा इमोशनल, आपको तो पता ही है, क्या बताऊं. हाय कोई दिख राकेश नहीं रहा कुमार, है हाय आर्टिकल में. राहुल पुर, हाय मोनू, हाय नवनीत, हाय अभिषेक, हाय और निशु, आप तो हाय पूजा, आ रहे हो मातुमा. फॉर एग्जैक्टली. हाय कैफ, तुम लोग आओ ना, अभी फर्ग्यूसन जाने का टाइम थोड़ी है, अभी फर्ग्यूसन से बेरेटार आने का टाइम है. गर्मी से रिटर्न्स. बैंड बज रहा है उधर, वही इधर देखो अभी एक्चुअली फ्री रात में भी. है. एक्चुअली जितने दोस्त थे ना हमारे यहाँ पे वो सब बिजी हो चुके हैं इधर उधर, कोई बचा नहीं है फॉर्मेशन में, और जो है वो फ्री नहीं है. आंटी के साथ आओ. आंटी भी नहीं है ना, दिक्कत उनके आने के बाद आओ यहाँ. अभी मैं सोचा भी था जाऊंगा, थोड़ा सा इधर हो गया, और दूसरी बात पता चला उधर का वेदर बहुत खराब है. यहाँ का वेदर भाई साहब, कल मस्त वाली आंधी आई थी एंड मस्त वाली बारिश हुई, जो हमारा टिकटॉक था, ठंड ठंड के मारे इतना हालत हाँ. खराब था. सोचा अब आज के बदले कल 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 ही लाइव किया जाएगा, आज सोया जाएगा आराम से. आंधी तो कल यहाँ भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना इधर भी, तो सही था. अभी टेम्परेचर कैसा है उधर का? आज तो नॉर्मल ही था, उतना गर्मी तो नहीं था, कल बहुत ज्यादा था. प्लान वैसे हम लोग कर रहे हैं एक आई बार सी बेटिटार आने प्लान का, देखते. जब भी करना, लेकिन एसटी का प्लान करके आना, तभी आना, नहीं तो नहीं आना. बिल्कुल बिल्कुल नहीं आना और कौन है अब? यहाँ का मतलब, यहाँ का मतलब है अगर सनसेट नहीं देखे, मॉर्निंग का सनराइज नहीं देखे, नाइट का वेदर एंजॉय नहीं करे, फिर आने का कोई फायदा नहीं. हाँ. वो और इन सब तो के लिए तो स्टे सनसेट करना और पड़ेगा. सनराइज उनसे तो बिल्कुल. हाँ अभी वृंदावन चलेंगे क्या? और बहुत नाइट मन कर वाला रहा है जो वृंदावन चलने. अभी कोई जाने को रेडी नहीं है, बस एक अकेले है. नहीं, होली के टाइम चलोगे तो होली तो हमारा फिक्स है, होली में तो वृंदावन जाने का. नहीं नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ फिर आंटी जी को साथ में ले जाओ, या कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड ढूंढो. कैटेगरी बांट के रखना पड़ेगा लग रहा है. स्पिरिचुअल के लिए इसको ले जाना है, फिर पार्टी क्लबिंग के लिए इसको ले जाना है, ऐसे. ऑब्वियस है, ऐसा करना पड़ता है. तो
मेरे ग्रुप में ऐसा कोई है नहीं सर अभी बनेगा। अरे बन जाएगा, अभी तो लाइफ स्टार्ट ही हुआ है। हाँ वो तो है। हाय अभिनंदन, अभिनंदन आज का हमारा टॉपिक बहुत बढ़िया है। ये बताओ मदर्स डे का सबसे बेस्ट मेमोरीज बताओ आप। हाय हीरा हिमांशु, हाय विशाल यदुवंशी, कैसे हो आप सभी? पहले ये बताओ फिर अपन टॉपिक पे आते हैं। हेलो हेलो अब देखने आएंगे कुछ बोली नहीं सबको तुम डिमोटिवेट कर दिए पहले ही आकर के पहला बंदा है कि कुछ बोल ही नहीं रहे। रहा हाय फैसल अच्छा आप लोग खान, बात करेंगे ओ कुछ भाई सुन साहब लेंगे। फैसल खान आपको देखकर तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद आ गई, अब वही फैसल खान हो गया। फैजल शायद मेरा दोस्त है आई तो आपका फ्रेंड है मेरे को लगा गैंग्स ऑफ गेस। वासेपुर वाला है। नहीं हाय शायद वही है। सूरज बहुत चुप रहता है बहुत कुछ नहीं बोलता है किसी से। अच्छा है, आप तो क्लास एमबीजी छोड़ दिए। क्लास के अरे बाद सब। एमबीजी हाँ कैसे छोड़ वही है सकते वही है। हैं, पता वही होगा क्लास के बाद हाँ सबसे भाई पहले वही भागता था खाने के लिए। ओके मदर्स डे से रिलेटेड कौन है आज शेयर करना चाहेगा? कोई भी मेमोरीज, खट्टा मीठा कुछ भी चलेगा। आ जाओ फैजल। हाय सूरज भैया। टुक 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 टुक, हाय विक्की, हाय केफ, अंजलि, शुर, हाँ भाई वही हूँ। ओके विक्की, विक्की फैजल, विक्की के पास बहुत सारा स्टोरी होगा। विक्की आप बताओ क्या मदर्स डे से रिलेटेड बताओ, और कौन कौन बताना चाहेगा? अंजलि, लास्ट ईयर मदर्स डे में ऐसा था ना कि जो अपन लाइव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कम से कम 20 से 25 लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा होगा 2021 का, और वो लाइव लगभग 1.5 घंटे चला था। लास्ट में हमें ही बोलना पड़ा कि अब चलते हैं, बहुत लंबा चला गया। एक बार मेरे जीएफ मेरे चलते अपने माँ से बहुत मार खा लेती है, मुझे लगता है कि उसके लिए ये सबसे ज्यादा इमोशनल ये सब चाहिए था इसीलिए आए थे। हाँ ये नाइस है। सही है कैप फिर तुमने मनाया कैसे, और ऐसा क्या कांड कर दिया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बंदी पिट गई थी? ये भी बताओ। हाय ट्रेस पांडा, नहीं तुम बताओ पंकज कभी गर्लफ्रेंड के लिए पिटाई खाए हो मम्मा से? पता ही नहीं। अरे बोलो ये आप यूट्यूब पे तो नहीं बताना ही डाल पड़ेगा क्या? हाँ दोगे। बताओ ऐप भी छोड़ो, यूट्यूब पे भी जाएगा ये तो आप लिंक भी भेज देना मम्मी को। नहीं, आंटी नहीं देखेगी, आंटी को ट्रेडिंग से फुर्सत कहाँ है। हाँ ये तो है। बढ़िया सही है, जेंटलमैन वाला मेमोरीज बता दो फिर। हाय राज अनुकूल, हाँ बताओ मिस्टर के, आई एम वेटिंग। हाय शीतांशु अजीत, बिलेटेड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैन। तो आज बताना है आप लोगों को, मॉम से रिलेटेड कोई भी स्टोरी हो ना वो शेयर करना है, कैसे सुधाई हुई थी या कैसे अप्रिसिएशन हुआ था। हाय प्रवासी प्रिय, हाय विजय शर्मा, भैया जब 1.5
यश का था, पापा की डेथ हो गई तो सिंगल चाइल्ड हूँ अपनी माँ का, तो सारी खट्टी मीठी यादें। ओ बिल्कुल यार, फिर तो आपको मॉम से भी डैड वाला प्यार मिला होगा, मतलब डबल प्यार मिला होगा आपको फिर तो। कोई एक इंसिडेंट बताओ अभी की, थोड़ा सा जिससे तुम कुछ ऐसा कांड कर दिए और आंटी जी गुस्सा के तुम्हारी मस्त सुताई करे। तो शीतांशु तुम बताओ कहाँ हो अभी, उत्तराखंड में या बिहार में? मैं बताता हूँ एक छोटा सा स्टोरी, क्या हुआ कि एक हाँ वो तो भाई पूछने पूछना ही भूल गया था। आपके पास बहुत हाँ मेमोरी भाई हाँ भैया, कभी फील नहीं होने दी मम्मी, हमेशा दोनों दोनों का फर्ज निभाई। सुताई बहुत हुई। हाँ केवल आज थोड़ा अभी सुताई की बात करते ना, जाते समय इमोशनल बात करेंगे। बस भाई देहरादून। ओके कुछ बताओ सितांशु, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जब मम्मा ने मत सुताई करी हो। अरे पंकज कुछ कुछ बोलो यार, तो पंकज जलोटा की तरह यार पूरे साथ साथ क्या बैठे क्या हो। बोल रहा हूँ, कुछ मुंह खोलो एंड से मुंह मैसेज पढ़ रहा समथिंग। था, मैसेज पढ़ रहा था, देख रहे कहाँ आ गए मेरे फैंस। ये सही था। वो डीएम में जाके गाली देंगे तुमको। अरे बताओ, हाय गोपाल सर, आई एम वी आर वेटिंग। देहरादून काफी अच्छा जगह है यार, एक बार घूमना चाहिए। अरे लिटरली खूबसूरत जगह है। एक बार क्या हुआ था ना कि मैंने एक दुकान वाले से लड़ लिया था, बूढ़ा था वो, पिटाई कर दिए थे उसकी, उसने मम्मी को बोल दिया, बहुत पड़ी थी। एक बात बताओ विक्की, तुम बचपन से ही सरापात हो गया यार, हमेशा धो देते हैं किसी को। ये विक्की वो बंदा है, लास्ट टाइम हमने एक आ, आ, क्या स्कूल मेमोरी से रखा हुआ था, तो इन्होंने टीचर ने इनको पीटा था, ये चौक पे टीचर को ही पीट दिया। हाँ मेरा भी एक ऐसा दोस्त है, MPS का टीचर को मतलब वो किया था, पूरा तो नहीं बता उनका सकता सुताई कर लेकिन दिया हाँ ऐसा ही। और अपना गले और प्रिंसिपल के सामने गले का टाई खोल के गेट पे टांग के आ गया था था। ओ भाई और बोला था साहब, दैट्स इट, स्वैग अब नहीं मोमेंट। पढ़ना। ओके सुताई तो नहीं पर मेरी जीभ घर आई थी, तो मम्मी ने कहा लेटिन में बैठो तुम सुबह से 3 बार चुक जाते। जब घर में मम्मी थी तो जीव को बुलाने की क्या जरूरत थी फिर, या बोल देते नॉर्मल फ्रेंड है, फिर लेटरिन में बैठने की क्या जरूरत थी। फिर तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोचती होगी वो स्टार्टअप खाने ही का नहीं क्या कंप्लीट फायदा हो हुआ रहा है। है हाँ फिर। हाय राज, स्कूल वाले प्यार का कॉल मम्मी रिसीव, क्या स्कूल वाले प्यार का कॉल मम्मी रिसीव कर ली थी, मम्मी फिर आगे क्या हुआ होगा बताने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं बताओ, हमें जानने, हमें समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या हुआ होगा। मिस्टर क्या बोला, एक तरफ चाय है दूसरा तरफ माँ है, भैया के लाइफ में कोई लड़की है तो प्रपोज कर कि तुम मेरे तरफ से। हाँ है क्या हुआ, एक तरफ चाय है दूसरी तरफ माँ है, भैया के लाइफ में कोई लड़की है तो प्रपोज कर दो क्योंकि मेरे तरफ से। हाँ है, ये शायरी है कि कोटेशन है समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ अच्छा लिखे हो भाई। हाय माधव, तुम्हारे पास बहुत स्टोरी होगा, ज्वाइन करो। भैया
स्कूल में नहीं मतलब एक मारे ऐसा थे लड़का क्लास इसमें में। इन्वॉल्व हो रही एक 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 स्टोरी मैं बताता हूँ, स्कूल का था क्या। एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल स्कूल का टाइम, फिर चलो मैं शेयर करता हूँ। तो मैं एक लड़की को थोड़ा सा लाइक कर, लाइक क्या बोलूँ, अट्रैक्शन था क्या, तो थोड़ा बहुत कुछ था। तो मैं अपने क्लास का बहुत साड़ा समझता था अपने आप को। तो मैं सोचा ये बात यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट डे वो अपनी मम्मी को लेके आ गई स्कूल। ओ भाई और पूरे क्लास के सामने टीचर को बोले कि हाँ तुम इसको छेड़ता है तुम ये वो मेरे फट के फ्लावर हो गया था कि हम तो अपने लेवल तक सोचे थे, साले फैमिली लेवल तक पहुंचाती बात को। थैंक गॉड कि हमारे घर तक बात नहीं पहुंची, उसके घर से स्कूल तक ही बात रही। हाँ भैया स्कूल वाले स्कूल में थोड़ा नहीं कर मेरी सकते हैं। क्लास में नहीं, स्कूल वाले समझदार होते हैं। हाँ अब उस लड़की को अभी भी उतना भी कॉमन सेंस नहीं है, बाद में हम मिले हम बोले इतना भी तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, जब हमारी ये बातें हो रही थी तो इसमें मॉम को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। एंड सबसे बेस्ट बात सेंसिटिव। ये था, नहीं 10th के बाद सी प्रपोज मी एंड आई रिजेक्टेड। ओह माय गॉड नाइस। सबसे ज्यादा सही तो यही होता है। अरे बदला तो जरूरी है ना, इंसानी इंसानी फितरत है टुकड़ा ये तो। के मेरा प्यार। घंटा समझदार क्लास में प्रपोज किए थे, मम्मी को बोल दिया करे। यही होता है यार, ओ भाई स्कूल के टाइम में लड़कियों के पास दिमाग बिल्कुल होता ही नहीं है, कौन बात कहाँ पे रखा जाता है उसको, कॉमन सेंस नहीं है। कॉलेज की लड़कियां समझदार होती है। हाय भगत जी, एक बार स्कूल में भैया मैंने तो अपने मैम की बेटी को प्रपोज कर दिया था, उसने तो मम्मी को बोल ओ के भाई मुर्गा बनवा। ये बढ़िया था। फिर आगे आगे का क्या हुआ मुर्गा बनाने के बाद। हाय हाय खुशी खुशी चा, मैम। वो टीचर है क्या तुम्हारी। नहीं टीचर नहीं। मेरे को लगा आप संभल के स्कूल से रिलेटेड बात करनी नहीं 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 दोस्त होगी। ओके ओके अच्छा डांस टीचर है एक्चुअली, इसीलिए मैम बोलते हैं। ओके 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 हेलो। बहुत अच्छा लगा। और मदर ठीक है, और क्या क्या कांड किया ये बताओ जो मदर्स डे से रिलेटेड। अच्छा चप्पल वाला इंसिडेंट जो मीम बहुत वायरल होता है, अब नहीं मारूंगी आओ, ये किनके किनके साथ हुआ है। हाँ ये तो हुआ है मेरे साथ भी बहुत। नहीं क्या क्या हुआ इंसिडेंट बताओ, बचपन में मैं बिहाइंड द ना स्टोरी घर पे बताओ। रुकता नहीं था, भाग जाता था घर से। पापा का दुकान था कहीं उधर दूर था, गांव पहले गांव में रहते थे ना, तो वही तो सो के उठता था शाम में, ऐसे भाग जाता था पापा के साथ। तो उसी में मम्मी बहुत बार पकड़ पकड़ के लाती थी, बहुत बार तो समझा उमझा देती थी, फिर बहुत बार मार भी खाया। लेकिन उसके बाद तो हॉस्टल ही चला गया, वो शहर ही छूट गया, मतलब गांव छूट गया। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कैसे हुआ है, बिहाइंड द स्टोरी बताओ। हाय रोमा भगत, हाय इट्स धाऊ। चैट में नहीं ज्वाइन करके बताइए। ये चैट पे एक्सट्रोवर्ट है, लाइव में इंट्रोवर्ट है। सामने आकर के इसके मुंह ओके नहीं खुलेंगे तुम्हारे तरह। अरे नहीं मेरा खुल तो रहा है, बात बा, मेमोरी नहीं है मेरे पास उतना, लेकिन बात तो करने के लिए है। नहीं स्कूल में टीचर मुर्गा बनवा दे और घर में मम्मी ने भी कूटा। तुम लोग ये नहीं भैया हम मार्केट में। ओके मार्केट से आओ, तुम्हारा तुम्हारा दो तीन बंदे का है जो के पास खतरनाक स्टोरी जाता है। एक कैफ हो गया, विक्की हो गया, और मनीषा, और बहुत सारे।
हैं जिनके पास मतलब ढंग का स्टोरी रहता है। हम नेता आदमी हैं, इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं। जो मास्टर को मारता है उसे नहीं, मेरे को लगा कि तुम लाइफ में इंट्रोवर्ट हो गए क्योंकि कभी ज्वाइन नहीं करते हो तुम। लाइव में हो जाता है बहुत, और तो स्कूल से कैमरा रिलेटेड के सामने थोड़ा। हमारा खुद होता है, तो जैसे मैं कभी फर्स्ट अभी रिसेंटली यूट्यूब का ब्लॉग शूट कर रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, जबकि इंस्टा वाला में नेक्स्ट लेवल का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का भी दिक्कत होता है। हाँ यूट्यूब पे पूरा स्टोरी टेलिंग हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा होता है। अभी उस थोड़ा हम पे भी ट्राई कर रहे थे बनारस में, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उसमें बहुत होता है, एक मतलब कि आप फेस अगर देख कहीं रहे हो, कहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारा उसमें हाँ सीन होता है। हाय पांडे जी, नहीं भैया मार्केट में ओके। हाय भगत रिया, मदर्स डे से रिलेटेड कोई मेमोरीज बताओ आप लोग। और एक बात बताओ सभी, जितने लोग हॉस्टल में रहे हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे इसको, कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब घर से टिफिन वगैरह गया हो तो उस या कुछ भी नाश्ता वगैरह गया हो, उस टिफिन खोले तो अंदर से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे क्या आता था? कितने कितने हेलो। लोगों ने वो एक्सपीरियंस करा है? हाय सानू, हाय, तुमने एक्सपीरियंस नहीं करा पंकज? नहीं अभी नहीं। नहीं एक्चुअली ना, घर से जब हॉस्टल में जब घर से आता था ना, तो सारा सामान दीदी को देता था, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि कभी ऐसे बैठ के कहीं खाता ही नहीं था, मन ही नहीं करता था ऐसे, तो सारा सामान दीदी के पास ही रहता था। बोल देता था कि हाँ दीदी से ले लूंगा, लेकिन तो कभी नहीं दीदी जाता लगता है था। हाथ मार लेती होगी। हाँ तो दीदी मारती होगी तो जो नहीं वो कभी नहीं है, मतलब बाकी ऐसा हॉस्टल में लगता था रह आप लोग के मॉम टेक के। खोला उसका टिफिन खाना, तो वो तो कांस्टेंट रहा है। पंकज वॉइस ब्रेक हो गया आ रही है, पूरे क्लियर नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रही है, पता नहीं बोल कभी नहीं। नहीं, एक बार मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। नेबर कभी नहीं, ये फिर और बताओ मॉम से रिलेटेड और मेमोरीज क्या है? सुताई वाला बताना, जब आपकी सुताई हुई है घर में मस्त वाली, ऐसा कोई कांड करा आपने और सुताई हुई। मेरा तो स्कूल बंक करने के वजह से मम्मी को बहुत झूठ बोला है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल बंद है, सच में बहुत मजा आता है। हेलो चैंपियन। और मम्मी मान जाती थी कैफ? आज के टॉपिक पर डिटेल चर्चा आके रिसोर्ट में आकर करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बताओ। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि अपन जितना भी बात करें फिर भी ऐसा लगता है कि अधूरा है। लास्ट मदर्स डे में भी हमने लगभग इसी टॉपिक पे रखा था और 1.5 घंटे में भी कवर नहीं हो पाया था। अच्छा ये बताओ, कल मदर्स डे पे किसने क्या क्या करा? फोटो पोस्ट के अलावा पब्लिकली नहीं करना भैया, बहुत यादें हैं। ओके ओके, नहीं, जैसे भी कि कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा टची मोमेंट्स होते हैं। आज सुनूंगा सबसे, क्यों सब सबको सुनना ही है, फिर बोलेगा कौन? केफ अकेले रह जाएगा फिर बोलने में। सानू आप बताओ, हेलो मिस्टर अजीत यदुवंशी।
एक मेमोरी भी है जो बहुत इमोशनल है. ओके, करिश्मा अंसारी. होली के दिन की बात है, मैं और मेरे तीन दोस्त मॉर्निंग में निकले थे 5 मिनट बोल के, बट 5 मिनट वो 5 आवर्स में बदल गया. फिर आगे क्या हुआ? वैसे होली होगा, होली में तो शायद कुछ बोली नहीं. मेरे हाय राजे, मेरी मम्मी डिप्रेशन की पेशेंट है, वो कभी भी कोमा में चली जाती है. ओ सॉरी. फिर तो फिर तुम्हें बहुत संभल के रहना होता होगा विक्की, कि कोई कांड नहीं करो कि मम्मा डिप्रेस होगी. हाय अनुष्का, क्या हाल खबर? फिर जब मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के जाने लगी, तो मेरी मम्मी बाहर आई डंडा लेके, फिर मेरे को तो लगी, साथ में मेरे दोस्तों को भी खानी पड़ी. मैं रहता तो फिर तो मैं तो आधे रास्ते में तुम्हें ड्रॉप करके निकल जाता फिर तो. तो सडनली एक बार वो आई कोमा में गई, उस दिन मेरे पास सिर्फ 300 थे, क्योंकि स्टाफ पेमेंट करके क्लियर कर दिए थे. ओके. और सुशांत सिंह राजपूत फैन, अब वो दोस्त जब भी मिलते हैं बस एक ही बात याद आती. तो मतलब दोस्त की सुताई क्यों हुई? हाँ, तुम्हारा तो लेजिट बनता है. भैया, मैंने पहले बार न्यू बाइक लिया था, सबसे पहले अपने माँ को ही बताया था. सच में उस पल को हम कभी नहीं बोलेंगे. मेरी मम्मी रोने लगी थी. ओ एम जे. मम्मा देखो, कोई भी बच्चे कुछ अपना ड्रीम का काम करते हैं ना, या अपने बच्चे को कोई भी मॉम डैड देखते हैं आगे बढ़ते हुए ना, तो वो जो सुकून होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है. बट भैया, मैंने उन्हें रातों रात शिफ्ट करवाया हॉस्पिटल में, देन सब सही हुआ. गेट जॉब, शी वॉज प्राउड उनमें. कुल कुल बिल्कुल, तुमने जैसे करा वाकई प्राउड मोमेंट था. उस समय तुम्हारी एज कितनी थी विक्की? उस दिन लगा लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए. यार होता है मॉम डैड के लिए. जब मैं क्लास 11th वगैरह में था, तो उस समय एफिलिएट वगैरह का अच्छा खासा क्रेज था. जब मैं कॉलेज में था तो उस समय ऑनलाइन का इतना अच्छा था कि मैं 11th क्लास 11th में लगभग मैं 40-50 हज़ार रुपये अर्निंग कर लेता था. वाह तो फिर जब मैं मॉम के लिए साड़ी वगैरह लेके गया था, एंड मॉम का जो रिएक्शन वगैरह था ना, दैट वाज टोटली प्राइसलेस. तो उनको पता है, उनके उनको प्राइस टैग से कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा प्यार कितना है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर होता है. तुम छोटा सा एक हाँ टुकड़ा भी उनको दो ना, तो उनके लिए दुनिया जान सब कुछ वही है. उन्होंने ही मम्मी से कहा था कि आते हैं आंटी बस थोड़ी देर में. 20 ईयर. कोल कोल, मतलब 20 साल की एज में तुमने इतना करा, दैट्स अ रियली बेस्ट. और मॉम से रिलेटेड कोई स्टोरीज आप बताओ. जैसे कोई छोटी छोटी बातें जो है, छोटी लेकिन वो बहुत टची टाइप का है, कि ऐसा लगा कि यार आई एम सो फॉर्चुनेट हैविंग मॉम लाइक दिस, कि या कोई ऐसा मोमेंट्स बताओ कि जब लगा कि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, एंड यू कॉल योर मॉम, एंड 15-20 मिनट बात होने के बाद ऐसा लगा कि सारा प्रॉब्लम कहाँ खत्म हो गया, समझ में नहीं है. किसी ने फेस करा है क्या ऐसा, कि तुम बहुत ही परेशान रहो लेकिन मॉम को कॉल करो, एंड 5 से 10 मिनट बात करने के बाद लगेगा कि सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया. हाय प्याली, हाय आदित्य. तुम्हारे साथ हुआ है पंकज?
लास्ट ईयर इस टाइम बहुत बीमार था मैं, आई थिंक वो टेंशन उन्हीं की 3 महीने के डर से रेगुलर भी आई स्पीचलेस था। ऑब्वियस यार, मतलब ये होता है ना कि मतलब आप इस एज में खुद सारा चीज अकेले हैंड ओवर करें एंड सारा चीज बढ़िया से मैनेज करें, दैट्स अ ह्यूज। हेलो राहुल, क्या हाल खबर है चैंपियन भैया? 5 मिनट वेट, आते हैं। ओके, जल्दी से आओ, माय नेटवर्क इज नॉट गुड। ओके, और मॉम से रिलेटेड और किन और क्या क्या? अच्छा, ये एक आप लोगों ने एक चीज फेस करा है क्या? ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत इमोशनल हो गया, थोड़ा सा हल्का चेंज करते हैं। पर कोविड हुआ था, मुझे मन मना करते रह गया, रूम में मत आओ, बट वो मानी। ओ एम जे, ये बसी का मैं एक कॉमेडी कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, उनका एक मैं कॉमेडी देखा था, उसमें उनके डैड पूरे क्रिटिकल कंडीशन पे रहते हैं, वल्नरेबल स्टेज पे, एंड उसको बोलते हैं कि बेटे को मत आओ। तो वही सेम स्टोरी यहाँ पे लग रही है। हाय इंचांटेड, कैसे हो? वैसे कितने लोगों ने एक चीज एक्सपीरियंस करा है कि जब भी आप रिलेटिव या फैमिली के घर जाते थे तो ऑब्वियस सबको दक्षिणा मिलता था, पर जब अपन प्रणाम वगैरह करते थे तो कैश वगैरह मिलता था, एंड वो कैश मम्मी रखती थी, बोलती थी ठीक है ये कैश तो बाद में तुम्हें मिल जाएगा, और वो बात आज तक नहीं हुआ। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा? हाय शांति, अमित, कितने लोगों का वो दक्षिणा वाला पैसा जो मम्मी ली थी और बताई थी कि चलो बाद में ले लेना, वो आज तक नहीं मिला? जी भैया, मैंने और किन के साथ हुआ ऐसा? बट मैं इंटरेस्ट जो होता था कभी ना कभी तो ले लेता था। नहीं, हम लोग भी पता है, हाँ ये जोड़ के रखते थे कि इतना इतना हुआ, फलाना फलाना, इतना 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 हुआ, ऐसे में तो हजारों का ड्यूज मॉम पे चढ़ा देते थे। अम्मा का अम्मा जब एक बात बोलते थे, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा लगता था कि जो पैसे गए विद इंटरेस्ट। मैं एक बार गुल्लक रखा था क्या, गुल्लक में बहुत सारे पैसे जमा करे थे, एंड उस टाइम में ब्रह्मा कुमारी में था, तो उस समय कोई भी बुरी आदतें वगैरह भी नहीं थी, तो बहुत सारा गुल्लक में जमा करा था कि इसको अपन डोनेट करेंगे ब्रह्मा कुमारीज में। एंड जब मैं हॉस्टल आया, हॉस्टल के बाद जब पता चला हमारा वो गुल्लक टूट गया सारे, उसमें अच्छे खासे कैश थे, लगभग 12 से 13 हजार के आसपास थे। एंड मैं बोला ठीक है आ रहा हूँ लूंगा, और वो अभी तक नहीं मिला है। आकाश, कैसे हो चैंपियन भैया? आज मम्मी से वो पैसा मिल जाता तो आज हम अंबानी। हाँ, अपन यही यही सुनाते हैं कि हमारा इतना पैसा तुम लिए हो ना। भैया मैं जा रहा हूँ, काम है आज थोड़ा। ओके विक्की, एकदम मजे में भैया। और आकाश, कैसा रहा मदर्स डे? कल किसने क्या क्या करा ये बताओ भैया, आपकी जीएफ कभी मार खाई है आपके वजह से स्कूल लाइफ में? हमारा हॉस्टल हॉस्टल वाला सीन था यार हमारी, मतलब वहां भी अजीब सीन था हमारा, वहां भी कृष्णा गोपिया वाला हाल था हमारा। हाय श्याम ठाकुर, एकदम अच्छा भैया। हेलो राहुल, कल तुम लोग क्या क्या करे मदर्स डे के दिन? मम्मी के चप्पलों के साथ मजे में। अगर वो नहीं मिले तो फिर अधूरा लगता है ना फिर। कोई बेस्ट मेमोरीज बताओ आकाश मॉम के साथ की, कोई ऐसा कांड करे मस्त वाली सुताई हुई मम्मी से। मैं तो बकायदा एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैं कुछ
ऐसा कांड कर रहा था ना छोटा सा। मैं जैसे मैं अपनी छोटी सिस्टर को पढ़ाता था ना, तो वो जल्दी अगर नहीं समझती थी तो मैं उसको कूटना शुरू कर देता था, बहुत बार मारता था। तो वो सीधे बोलती थी कि भैया से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर भी अगर वो पढ़ती तो मैं एक बार दो बार समझाता था, नहीं समझने के बाद मस्त धुलाई करता था। तो फिर जब मॉम ढूंढने आती थी कि किधर गया, मैं जो भागता था, फिर तो क्या ही कहना। हेलो सर जी, स्पिरिचुअल स्पीड कैसे हैं? हाय रानी मनीष, तो आप सबों को मदर्स डे से रिलेटेड कोई इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, नॉट मदर्स डे, माँ से रिलेटेड, कि ऐसा क्या कांड करा है कि बचपन में जा आपकी मस्त सुताई हुई है मॉम से? अरे भैया ग्राउंड फ्लोर से मारना स्टार्ट करती थी, ऊपर सेकंड फ्लोर तक ले जाती थी, फिर वहां से ग्राउंड फ्लोर तक के कुछ ऐसा। ऐसा क्या कांड करते थे आलू के, मतलब ये इस लेवल का धुलाई होता था? हम लोगों का तो कभी कभी ऐसा होता था कि स्लीपर उठा के मारी, छिप गई, अपन भाग गए। कभी कभी तो झाड़ू भी उठ जाते थे। और कभी पता है कुछ आप लोग ऐसा इंसिडेंट फेस करे हो क्या कि अब मम्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा गई है एंड आप ऐसा कांड करे हो एंड उनके चेहरे को देख करके आपको लगता है नहीं भागना सही नहीं है, भागेंगे तो मम्मी को बुरा लग जाएगा एंड आप रुक करके फिर मार खाते हो ऐसे करके कि ठीक है मेरी गलती है? कितने लोगों ने इस तरह का, ये बहुत इस तरह का कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है? और एक चीज और नोटिस करा होगा तुमने, जिस दिन माँ सुताई करती थी रात में फेवरेट खाना बनता था एंड ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता था, कि चलो माँ गुस्सा में थी फिर भी ज्यादा करके देती थी। जैसे कुछ भी हो गया घर में, अगर आम का सीजन है, आम ही है, तो थोड़ा सा ज्यादा करके हर चीज। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है? हाय मनीषा, हाय मंजीत, कैसे हो आप सभी? अपन आज मदर्स डे से रिलेटेड बात कर, नॉट मदर्स डे, मॉम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मौसी की बेटी के पास डॉल था, डेली सुबह करके उसको डॉल के बाद करवा देते थे और भाग जाते थे। फिर एक दिन पकड़ा गया, उस दिन क्या है बताई भैया, धो करके मारी थी उसको, बहुत रोते थे तो फोटो भी क्लिक हुआ था। मतलब मस्त वाले भी। हाय हाय मनीषा, तो कैसा रहा तुम्हारा कोपाघाट का टूर? एक क्या क्या एज था उस समय तुम्हारा आकाश? क्या हुआ, क्या चीज भैया? मतलब जब सेकंड ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर तक पिटाई हुई थी, उस समय क्या एज क्या हो रही थी तुम्हारी? हाय डार्क नाइट, काम होना चाहिए। हेलो मेहताब दादा, क्या हाल खबर एंड कहाँ हो अभी आप, विराटनगर में या बिहार में? आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो एंड क्या हाल खबर है अमृतसर का, वहां का अभी वेदर कैसा है? 6th या 7th क्लास में था, याद नहीं हमको वो।
डार्क नाइट, ये बताओ मदर्स डे से मॉम से रिलेटेड कोई इंसिडेंट बताओ जब मैं सुताई हुई थी। मनीषा तुम बताओ। हम मॉडल स्टूडेंट थे, कभी मार नहीं खाए। क्या मजाक कर रहे हो? अगर माँ से कभी मार नहीं खाए तो तुम्हारा फिर मतलब लाइफ बेकार है, बचपना बेकार चला गया। यू वेस्टेड योर चाइल्डहुड बिकॉज यू डोंट हैव एनी चाइल्डहुड मेमोरीज दैट योर मॉम मस्त मस्त सुताई करी हो तुम्हारी। या डैड डैड से मार खाए, डैड का बताओ। पूरा लाइफ स्ट्रोंग तो अभी तक मार ही खा खा कर, आपको कोई एक मोमेंट चाहिए? वही तो बोल रहे हैं कि अगर लाइफ में मॉम के हाथ से पिटाई नहीं हुई है और मॉम के हाथ से मार नहीं खाए तो मतलब समझ लो लाइफ वेस्टेड है। डैड तो डांटते भी नहीं थे हैं। इतना तो फिल्मों में होता है कि जो डैड डांटते नहीं है, मॉम ने कभी मारा नहीं हो। हम लोग के तो भाई साहब। राधे राधे प्रियंका, कैसे हो? इनका हो अभी राजस्थान या बिहार? आज आप सबको बताना है कि मॉम से रिलेटेड कोई स्टोरीज बताओ। मॉम मारती नहीं थी, डांट तो बहुत। हाँ तो कोई ऐसा मतलब कब आज तक लाइफ में कभी मॉम डैड से कभी भी पिटाई नहीं खाई हो डार्क नाइट? कभी भी थोड़ा एक स्लैप भी नहीं? ओ हेलो मॉडल स्टूडेंट, ये सब किसी और के पास बोलना। एक फ्लाइंग चप्पल आएगा मुंह पर, सब जगह पर आ जाता है। एग्जैक्टली। हाँ मॉम के हाथ से मार नहीं खाए, ये मतलब प्राउड मोमेंट नहीं है, ये तो वर्स्ट मोमेंट है बिहार। प्रियंका तुम बताओ कि ऐसा कोई कांड कांड बताओ जो कांड की और मम्मी से मस्त वाली पिटाई हुई हो। क्योंकि माँ के प्यार में प्यार, सॉरी बोलते, माँ के मार में प्यार होता। आई हैवेंट एनीथिंग है। लो एक और आ गए जिनको आई हैवेंट एनीथिंग। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू हैवेंट एनीथिंग? तुम भी कभी मॉम से मार नहीं खाए हैं? बैक टू बैक ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो नीतीश सर, कैसे हैं? मैं नानी माँ के साथ में, मुझे बता। ओके ठीक है, नानी माँ के साथ ही बताओ। कोई भी मेमोरीज बता सकते हो, सेंटिमेंटल भी हो सकता है, वो सुताई वाला भी हो सकता है। मनीषा तुम भी कुछ बोलो। मैं माँ के साथ कभी रही ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों प्रियंका? अगर पर्सनल नहीं है तो यू कैन शेयर। पता नहीं ये लोग किस प्लानिट से आए हैं। लास्ट बार हम 12 मई को ही खाए हैं। 12th में ही मतलब ये 3 4 दिन पहले। ऐसा क्या करे आकाश से 3 दिन पहले मार खाए हो? हाँ वही तो, मतलब मॉम से मार नहीं खाए मतलब फिर नालायक बच्चे हो तुम तो फिर, या एक्सट्रीम आइडियल बच्चे हो फिर तो। अभी कहाँ हो आकाश, पॉल्यूशन में या पॉल्यूशन से बाहर?
बात ये है कि माँ का घूरना काफी होता था, जान निकल जाती थी उसी में। फिर भी ऐसा तो कोई भी कांड होगा ना डार्क नाइट की, मतलब कुछ ऐसा कर दिया होगा कि घूरने उस समय घूरने के लिए भी टाइम नहीं हो, सीधे लाफा लगा दे कि कितनी बदतमीज बच्ची है ये, बस एक गिलास पानी सीढ़ी पे गिरा दिए, आगे हम और पीछे पीछे मैं तो क्या, पापा भी डरते हैं उनके घूरने ये बातें बताई नहीं जाती है डार्क नाइट, ये यूनिवर्सल है एफबीजी में। कभी प्लान करो इधर बेटे टायर आने का, पॉसिबल हो तो आंटी को भी लेके आओ। हमें हमें ना ओके, अपन 4-5 मिनट और है, कोई शेयर करना चाहेगा जल्दी जल्दी शेयर करो। भाई वो सबके पापा डरते हैं मम्मी के वही तो आकाश, मतलब ये यूनिवर्सल है, तो कुछ कुछ जगह एक्सेप्शनल होंगे हाय कोहिनूर, हाय राकेश। कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ ना कि मतलब कि मस्त पिटाई हुई है, पिटाई का स्टोरी सुनने में अच्छा लगेगा भी, तभी से बहुत इमोशनल हो रहा था, आप बताइए अपना कोई मेमोरी आप लोग पहले बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा, तभी से मैं बता ही जा रहा हूँ। अब आप लोग बताओ, हाय हाय क्या फायदा है, की हाल खबर हो ईशा। हम भैया आप बताइए ना, आप लास्ट टाइम कब खाए मार, ये लास्ट टाइम ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि क्लास 10th तक तो मार खाया हूँ, क्लास 10th तक खाया हूँ, और 10th के बाद याद नहीं है। हाँ लेकिन डांट तो सुना हो, डांट तो ऑल इज गुड। हाउ इज गोइंग कैफे डे एंड हाउ वाज मदर्स डे देयर, इट्स गोइंग सुपर। अरे वाह इतना अच्छा बच्चा ऑब्वियस है, मतलब इसमें गॉन वेल सुपर्ब। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर मदर्स डे, इस लास्ट टाइम मदर्स डे पे जब आई वाज इन फारबिसगंज, तो मैं मॉम के लिए एक रेस मोमोज बनाया था, मैं और दीदी मिलके मोमोज बनाया था, एंड बकायदा एक साड़ी भी परचेज कर रहा था मम के लिए, एंड मम्मा को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इस बार अपन जा तो नहीं सके, लेकिन मम्मा के लिए हमने गिफ्ट जरूर यहाँ से भेजा। मदर्स डे के दिन शुभ शुभ डांट खाए हम, क्या क्या डांट खाए, ऐसा क्या कांड करा जो तुम डांट खाए हो। तो मेरे फोन में फिल्टर लगाकर सेंड कर दे, क्या बोली मनीषा समझा नहीं, आधी बात बोलो। तो मेरा फोन में फिल्टर लगाकर सेंड कर दी, आधी बात आई है, बोली बहुत अच्छा है, उस टाइम का मम्मी का फेस देखने वाला था, मतलब वो मम्मी ओके मामा लोग जब गुस्सा होती है ना, ओ भाई साहब, कभी कभी जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मतलब मम्मा तुम्हें मारना भी चाहती है और समझाना भी चाहती है, तो आंख में कभी कभी गुस्सा भी होता है और उनके आंख में आंसू भी होता है, वो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है। जब उस कंडीशन में अगर आप मॉम को देख लो ना, तो मतलब लगता है कि
बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैंने ये कांड क्यों क्यों कर दिया। हाय केफ, तुम लास्ट टाइम मनीषा कब पिटाई खाए हो मॉम से, ये बताओ। कोई कुछ बता रहा है, ओके जो बता रहे 8th क्लास में मार खाए हो, क्या क्या कांड करा था आपने जो मार खाए हो? क्लास 10th तक तो मार, हाँ क्लास 8। अपन 2-3 मिनट और है, जल्दी जल्दी बताओ कौन क्या क्या बता रहा है। एट क्लास में भैया आपसे एक क्वेश्चन था, सच सच बताइएगा। पूछो, कोशिश करूंगा। ओ यार सबसे लेटेस्ट डायलॉग, मम्मी को जो गुस्सा में आपको मिला था सुनने। ओ ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। ये किसी और दिन मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा है कि मतलब ये ऐसा डायलॉग है, ये ब्रह्मास्त्र है। जब मतलब वो अगर वो डायलॉग मिल जाए तो मतलब तुम्हारे पास एक भी जवाब नहीं होता है बोलने को। ये इस तरह का डायलॉग होता है, तुम्हें स्पीचलेस कर देते हैं कुछ डायलॉग। हाय आस्था, कम होना से दादाजी को खाना बोली देने नहीं दिए थे, रस्सी से बांध के मारी थी। मेरा बात क्यों नहीं सुनी? ओ एम ने रस्सी से बांध के एक बार मेरी भी पिटाई हुई थी। लेकिन इस बात के लिए रस्सी से बांध के क्यों पिटाई हुई? तुम और कुछ कांड करे होगे, उसके बाद आज तक नहीं लगा। मतलब पूरे लाइफ में एक बार मॉम से मार खाए हो? हाय आस्था, आस्था तुम बताओ कि माँ से लास्ट टाइम कब पिटाई हुई थी तुम्हारी? हमें तो अब सोच रहा हूँ आप कभी घर जाऊंगा ना, कोई ऐसा कांड करूंगा कि मम्मी मारे। देखता हूँ मम्मी मारती है कि नहीं आज ही। हैं, ऐसा क्या कांड करे जो आज तुम्हारी पिटाई हुई? लड़कियां पापा की परी होती है ना, इसलिए ज्यादा गुस्सा आ गया होगा मम्मी को। मेरा नहीं सुनी। ओ तो फिर तो मॉम डैड में फाइट बनना चाहिए ना, बच्चे बच्चे तो विक्टिम हो गए। हाय गौरव, दादा कैसे हो? ओके जल्दी जल्दी बताओ, अब वी विल गो नाउ, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए हैं। आस्था जल्दी बताओ कि ऐसा क्या कांड कर रहा तुमने जो आज तुम्हारी सुताई हुई?
हाय विशाल भैया, गुस्सा मम्मी का हो या पापा का, मारता ओ भाई साहब, ये कितना क्यूट सा आंसर दे रहे हो आकाश यार। ऐसा होता था ना, कभी मॉम डैड में झगड़ा हो, बच्चे बिन मतलब का पिट रहे हैं, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाला जा रहा है। घर घर की कहानी। हाय रंग जिंदल के। कोई कुछ टाइप कर रहा है तो चल फास्ट, 1 घंटे से ऊपर हो गए। नो वी हैव टू गो। आस्था, आकाश, मनीषा, रंगजीन, घर घर की कहानी, टेक वाले भैया के तुम तो शायर भी हो यार आकाश, तुमने कभी ट्राई क्यों नहीं करा ना? एक बार और डांस परफॉर्म करने बिना बताए चले गए थे, उस दिन बहुत लगा था। पता चला एक डांस बाहर में करी, दूसरा डांस तुम्हारी मम्मी करवा दी तुमसे, है ना मनीषा? हाय आयशा, आदिल, लेकिन इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि डांस करने अगर मम को बता के नहीं गए तो मम मस्त बहुत पिटाई करी। मम को बोल देते, किसी कल्चरल प्रोग्राम में गई थी डांस करने। क्या आकाश, चलो अब चलते हैं। ना भैया, अपना बिजनेस सही चल रहा है, शायरी का कोई सब नहीं, तुम्हारे पास बढ़िया सेंस है। और रात में, ओके ओके, बाय प्रिया। तो अपन चलते हैं, एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन आज फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। मिलते हैं अपन अगले संडे को, तब तक अपना ख्याल रखे और अपने को ख्याल रखे, एंड कीप स्माइलिंग। सायोनारा एवरीवन।